हमने बोला था थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। मैथ, सबसे पहले अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में बस ऐसा समझ लो, जो नंबर के बारे में पढ़ते हो ना, अरिथमेटिक नंबर समझ दो, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, हिंदी में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो मुझे भी हिंदी भी आता है। ऑड नंबर का हिंदी, रियल नंबर का हिंदी, हाँ वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर का, परिमेय, परिमेय, अपरिमेय हो गया इरेशनल। तो अरिथमेटिक में बस आप समझ लो, जैसे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना जो सिखाया जाता है ना, वो सारा किस में आता है, अरिथमेटिक में आता है। मींस नंबर, जितना सारा आपने नंबर पढ़ा है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे किस में आते हैं, अरिथमेटिक में। उसके बाद जियोमेट्री, जियोमेट्री में क्या आता है, एंगल, एंगल के बारे में पढ़ते हो, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ट्रेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, जियोमेट्री में। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। आप अगर आप लोग जो जिनको आता है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनको एकदम से बिल्कुल लग रहा है कि एकदम नया है तो आप ऐसा लिख लो बस। इसमें क्या हमने बोला, नंबर, तो आपको समझ आ जाएगा दोबारा जब रिवीजन करोगे तो। और इसमें क्या लिखोगे जियोमेट्री में, हाँ ट्रायंगल लिख लो, एंगल लिख लो। और मेंसुरेशन में क्या हम लोग पढ़ते हैं, पेरीमीटर, क्या पढ़ते हैं, पेरीमीटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, निकालते हो ना वॉल्यूम, और बोलो और क्या निकालते हो, हाँ यही सब निकालते हो, नहीं एरिया, एरिया, पेरीमीटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ देर अगर मैं बता दूंगा तो उस तरह के आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट पे भी खूब आते हैं। देखो एग्जाम में नंबर लाना एक आर्ट है, एक कला है, ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वही अच्छे नंबर लाएंगे। एक एवरेज बच्चा भी अगर समझ जाए ना नंबर लाने का क्या तरीका होता है, अगर उसी चीज़ को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप लोगों का भी अच्छा नंबर आ जाएगा। मीन्स थोड़ा सा नहीं होता, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। तो वो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ स्मार्ट वर्क टेक्निक, यानी बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। डिपेंड करता है आप, देखो एग्जामिनर के सामने तो आप तो होते नहीं हो, आपके बारे में कौन रिप्रेजेंट करता है उनके सामने, हाँ मीन्स आपका आंसर शीट, समझ आ रहा है क्या, उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक सोचता है। तो उस पर अपनी जो भी आप जो जानते हो अगर उस पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हो, अच्छे से लिख देते हो, तो उनको वो अच्छा नंबर दे देते हैं। तो डिपेंड करता है लिखने का तरीका, तो ये भी ज़रूरी है कैसे आप उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हर चैप्टर का वेटेज होता है, पता है आपको, जैसे इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स के आएंगे, इस चैप्टर के इतने मार्क्स के आएंगे। अगर मान लो एक साल आपने अच्छे से मेहनत किया है तो सारे चैप्टर अगर आपके अच्छे हैं तो फिर अच्छी बात है। अगर मान लो अब क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है तब थोड़ा सा होश ठिकाना आता है ना, पढ़ लो वरना फेल हो जाएंगे, तो अगल बगल वाले, आस पड़ोस वाले, रिलेशन वाले, तुरंत किसी पूरे साल में किसी दिन फ़ोन नहीं आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उन्हें सब पता रहता है, उस दिन फ़ोन आता है, सच बता रहा हूँ। और घर वाले अगर आपका कम भी नंबर आ जाएगा ना तो वो कोई नहीं, हमारा बच्चा है, कोई नहीं, मेहनत करेगा, मेहनत तो करती ही है और मेहनत करेगी अच्छा हो जाएगा, वो लोग कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। लेकिन उनके वजह से जो रिलेशन वाले हैं ना और आसपास उनके पापा के दोस्त, मम्मी की फ्रेंड, ठीक है, वो उन लोगों के वजह से वो भी, हाँ कितना नंबर आया है आपके बच्चे का, अच्छा इतना कम नंबर आया, किसी काम की नहीं है, ये कौन सी बात हुई। अगर मान लो एग्जाम में नंबर कम भी आ गया तो ऐसा थोड़े ना है कि वो इंसान काम का नहीं है, सोचो, ये कोई जरूरी थोड़ा ना, फिर मेहनत करोगे फिर पास हो जाओगे। तो अगर आपको खुद के बारे में पता है ना, देखो एक्चुअल में क्या है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, जो कंपटीशन होता है ना रियल में, आजकल कंपटीशन हम लोग किससे करते हैं, अपने आसपास वालों से। मीन्स आप अपने क्लास में हो जो अच्छे बच्चे होते हैं, टीचर भी उन्हीं को अच्छे समझते हैं, भले ही वो डिसिप्लिन में है या नहीं है, ये बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बोली आप। तो हम लोग उन्हीं से कंपेयर करते हैं, उनसे ही कंपेयर करते हैं ना, उनके जैसा बनना है भले ही वो डिसिप्लिन में है या नहीं है। मेरा मानना है जो आपके क्लास में जो सबसे अच्छा
जो बच्चा डिसिप्लिन में है, जिसका कोई ख्वाब है, इन फ्यूचर कुछ करना चाहता है, भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इन सारे सब्जेक्ट में एवरेज है, तो जिनका ख्वाब है ना उनका नकल करो, उनके जैसा बनना है आपको। ये नहीं कि जो सिर्फ मशीन है मैथ अच्छा बना लेते हैं, कोई ख्वाब नहीं है, तो उनके जैसे बन के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। तो रियल में क्या होता है ना, जो अभी जो चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, हम लोग कंपटीशन क्या करते हैं अपने आसपास वालों से, जो अच्छे बच्चे हैं उनसे करते हैं। रियल में मेरे हिसाब से जो कंपटीशन होता है, मतलब खुद से करो अपना कंपटीशन, खुद से ही। हाँ, आप इतना ला सकते हो तो उतना ही लाओ, और ज़्यादा ला सकते हो तो और ज़्यादा लाओ। तो हम लोग कंपेयर किसी और से करते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाता है। हर इंसान का पोटेंशियल होता है। मान लो आप इस फील्ड में अच्छे नहीं हो, दूसरे फील्ड में अच्छे होगे। समझ आ रहा है क्या? कितने लोगों को हमने देखा है, ट्वेल्थ में फेल हो गए हैं, ट्वेल्थ में एक बार में फेल हो चुके हैं, फिर दूसरे बार पेपर दिया, आज उनका हॉस्पिटल है और कई डॉक्टर उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो और आपका कोई ख्वाब है, रियल में कुछ करना चाहते हो और उसी ख्वाब पे लगे रहते हो, तो आसपास वाले जो कहना है कहने दो। आपके अंदर जो चल रहा है वो चलना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम कैसे बताएं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कैसे दिखाऊं, और फिर दिख ही जाता है, इन फ्यूचर दिख ही जाएगा। तो रियल में ख्वाब होना चाहिए, कुछ करना है और आप देख ही रहे हो। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, देखो दो तरह के, मेरे हिसाब से दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और भी कई तरह का, हमने अपने हिसाब से ये करा है कि अगर आप एक क्या होते हैं, पढ़ लिख के बहुत अच्छा इंसान बन जाते हैं और अपने घर वाले को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, कुछ करते हैं उसके वजह से, मतलब पढ़ लिख के अच्छे हो जाते हैं, पढ़ने के बाद जो भी वो काम करते हैं उससे वो अपने घर वाले को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो उनसे हो सकता है। फाइनेंशियल अगर पैसे से हो सकता है तो दूसरे का पैसे से हेल्प करते हैं, जैसे मेरा है। मेरा मान लो अभी मैं पैसे से हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो हर तरह के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों को आया हूँ पढ़ाने, गांव में भी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी जाता हूँ मैं पढ़ाने। जब भी अपने घर जाता हूँ, सिवान मेरा घर है, तो वहाँ जो गाँव के बच्चे हैं वो कितना सीखना चाहते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हालांकि मैं पढ़ाता हूँ नीट जेई का फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 11th 12th नीट जेई का, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है तो इस तरह का मैं काम करता हूँ। तो मैं भी, मेरे पास मान लो अभी पैसे से मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये है, जैसे मैं पढ़ा के तो कर सकता हूँ। जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे आप हेल्प कर सकते हो, आप भी अपने लेवल पे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। एक्स्ट्रा पेन लेकर जाओ, एक्स्ट्रा पेंसिल लेकर जाओ एग्ज़ाम में, स्कूल में, और मान लो कोई नहीं लेके आता है तो दे दो, वो भी तो हेल्प है। तो इंसान जिस लेवल पे है उस लेवल पे हेल्प कर सकता है। समझ आ रहा है क्या? तो वही बात है। तो अभी क्या कह रहा था कि इंसान दो तरह के, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो क्या होता है, पढ़ लिख के कामयाब हो गए और फिर जो जब अर्निंग करने लगे तो उससे अपने घर वाले को भी फायदा पहुंचाते हैं और दूसरे को भी फायदा पहुंचाते हैं, पैसे से भी फायदा पहुंचा सकते हैं। या मान लो कोई डॉक्टर, आप इन फ्यूचर डॉक्टर बन जाओगे तो भाई आपकी रोजी रोटी है, आपको अपने फैमिली को चलाना है, तो पैसे नहीं लोगे तो कैसे आपका खर्च चलेगा। लेकिन फिर भी उसी में से कुछ अपना टाइम निकाल के वैसे लोगों को भी, जो मान लो आपका फी ज़्यादा है, तो जो आप फी ज़्यादा के वजह से अगर आपके पास नहीं आते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो वैसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दो, एक घंटा उनके लिए भी निकालो कि वो लोग भी आके फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पैसे के वजह से कोई ऐसा ना हो कि आपके पास ना आए। वही मेरा मानना यही है कि मैं भी पढ़ाता हूँ, लेता हूँ पैसे तो मैं भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एजुकेशन फॉर ऑल, मैंने पढ़ाई किया तो हमसे फ़ायदा सबको पहुँचे। कोई ये ना समझे कि ये पैसे ज़्यादा लेते हैं तो इस चक्कर में हम इनके पास नहीं जाएंगे। उसी तरीके से आपको भी इन फ्यूचर यही होना है। आप भी अगर जो इन फ्यूचर जो कुछ भी करोगे तो ये होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बन जाओगे या अच्छा टीचर बन जाओगे तो पैसे तो लोगे, लेकिन कुछ वैसे भी बच्चों का ज़रूर हेल्प करना है जो मान लो उनके पास पैसे नहीं है और वो आपसे पढ़ना चाहते हैं। कितनी खुशी की बात है कि वो आपसे सीखना चाहते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। तो पैसे के वजह से उनको ऐसा नहीं है, अगर रियल में उनको प्रॉब्लम है तो उनको पढ़ा देना है। अगर डॉक्टर बन जाओ तो रियल में पैसे के वजह से ऐसा ना हो कि कोई आपसे ट्रीटमेंट ना ले। ये आपको सोचना है, आपको कैसे सिस्टम बनानी है। तो रियल में क्या होता है कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक पढ़ने के बाद अपने घर वाले को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं और समाज को भी, अपने कंट्री के लिए भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, और दूसरे उस तरह के इंसान होते हैं जो
पढ़ लिख के कामयाब हो जाते हैं, अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बन जाते हैं और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे भी लेते हैं वो, और मतलब ज़्यादातर वो खुद अपने ही लिए फ़ायदा, मतलब अपने और घर वाले को ही फ़ायदा पहुंचा पाते हैं, तो वो भी बहुत बड़े इंसान हैं। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? मान लो आप पढ़े लिख के कामयाब हो गए, आपके वजह से सिर्फ आपको ही फ़ायदा हो रहा है, आपके घर वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, तो भी आप बहुत बड़े इंसान हो, नहीं हो? सोचो, आप अपने कंट्री के लिए बोझ तो नहीं हो ना, अपने देश के लिए बोझ तो नहीं हो ना, रिस्पॉन्सिबल हो ना? आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अगर आप पढ़ लिख के कामयाब हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, तो आप अपने घर के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है, और आप खुद के लिए भी कर रहे हो, दूसरा अपने देश के लिए भी है कि नहीं? तो ख्वाब होना चाहिए, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। कंपटीशन किससे होनी चाहिए? खुद से। रियल में एनालिसिस करनी है कि पहले मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ। अगर आप मान लो इन फ्यूचर बोर्ड का पेपर दोगे, अच्छा नंबर नहीं आता है तो मायूस नहीं होना है, एनालिसिस करना है, खुद पे ध्यान देना है, सच में हमने जितना बोर्ड का जो लेवल है उस तरह का हमने मेहनत किया था क्या? अगर आपने किया था, फिर भी अगर सच में अगर अंदर से आवाज़ आता अच्छा नंबर कम आया है, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर लगता है कि हमने उतना मेहनत ही नहीं किया, तो फिर करो, फिर पास हो जाओगे, उसमें क्या है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि बोर्ड का पेपर देते हैं, बच्चे जो पास कर गए वो आगे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बच्चे थोड़ा कम नंबर आता है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर वाले भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अगर रियल में कुछ करना है और देकर जाना है अपने कंट्री के लिए, मतलब यहाँ से लेकर नहीं, मरने के बाद भी चाहते हो कि दुनिया आपको याद करे, तो रियल में कुछ दे के जाना पड़ेगा ना, तो वो तब देकर जाओगे जब अभी से आपका ख्वाब होगा, और ख्वाब होगा तो कभी मान लो किसी एग्ज़ाम में कम नंबर आ गया या किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया, फिर भी आप मायूस नहीं होगे, सोचोगे कि कोई बात नहीं है, थोड़ा और मेहनत करेंगे फिर पास हो जाएंगे, और फिर आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँच जाओगे। तो हार नहीं मानना है, पास कर ही जाओगे, ऐसा नहीं, आप मेहनत किए हो तो अच्छा नंबर ज़रूर आएगा। खैर, तो ये तो खैर ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि ये भी ज़रूरी होता है, रियल में टीचर का काम यही है, रियल में टीचर का काम यही है। ऐसा कुछ आपको बताया कि आप बड़ा बड़ा ख्वाब देखने लगे, कुछ करने पे मजबूर हो जाएं, समझ आ रहा है कि? मेरे हिसाब से टीचर का रियल में यही काम है, पूरी ज़िंदगी कोई किसी को नहीं पढ़ाता है, ठीक है। अगर एक बात उतर गया ना आपके दिल में टीचर का, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है वो बात आपको, और होता भी है, बहुत कम ही टीचर है जो आप पूरी ज़िंदगी कुछ, मतलब बहुत कम ही ऐसे टीचर होंगे जिनको पूरी ज़िंदगी आप याद करोगे, या तो बहुत अच्छा उन्होंने फिजिक्स सिखा दिया हो तो याद करोगे, या केमिस्ट्री भी सिखा दिया खूब अच्छे से तो याद करोगे, या रियल में रियल ज़िंदगी क्या है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ सिखा दिया है, तो वैसे ही लोगों को ज़्यादातर लोग इंसान मतलब बच्चे याद रखते हैं। मुझे भी कितने सारे टीचर ने पढ़ाया, लेकिन हमें वही टीचर याद हैं जो रियल में क्या सिखाया, फिजिक्स भी सिखाएं कुछ लोग तो वो भी हमें याद है। इसके अलावा जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे जो इस तरह के जो ज़्यादातर बात करते थे, जो मायूस नहीं करते थे, शाबाशी देते थे, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, फिर भी मेरा नंबर नहीं आता, तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी टीचर मिले, उन्होंने बोला तुम कर सकते हो, बिल्कुल बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाया उन्होंने, ठीक है। तो ये है, तो कोई मेरे हिसाब से कोई ये नहीं होता है, कोई कमज़ोर नहीं होता। आप मान लो इस फील्ड में अच्छे नहीं हो तो दूसरे फील्ड में ज़रूर अच्छे होगे, डिपेंड करता है आपको पता है या नहीं कि वो भी टैलेंट है, उस फील्ड में भी अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। नेचर ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया वो करो, देखो कितना अच्छा करोगे। मुझे पता चल गया था ना कि मुझे इसीलिए बनाया गया है, इसलिए मैं टाटा मोटर्स में भी हमने काम किया, इंजीनियरिंग हमने किया है, ठीक है, तो हमने वहाँ काम किया, मुझे वहाँ काम क्यों किया, क्योंकि वहाँ देखेंगे तो बच्चों को और अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि नेचर ने हमें किस लिए बनाया है, इसी काम के लिए, तो मुझे कितनी खुशी है, कितने सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है, मुझे खुद पता है। तो खैर, तो ये सब बात की बात है पता नहीं आया है मैथ सिखाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है। तो खैर, तो ये छोटी छोटी बात समझ में आया, हमने क्या बोला, मेंसुरेशन, मैथ, अरिथमेटिक, नंबर के बारे में पढ़ोगे, ज्योमेट्री, ट्रेंगल एंगल के बारे में पढ़ोगे, मेंसुरेशन में किसके बारे में पढ़ते हैं, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी, वो भी बहुत ही मतलब आसान चैप्टर है। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, हाँ। सुना है आपने कंस्ट्रक्शन, हाँ, स्टैटिक्स, इसके बाद क्या होता है, स्टैटिक्स। अब सोचो, अगर बहुत
एग्जाम में बहुत कम ही टाइम है, थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तब तो ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन से 5 नंबर का आना ही आना है, आना है मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और इसको अगर अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाए तो ये आप कर ही लोगे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, कहाँ गया प्रोबेबिलिटी, लिखा ही नहीं हमने प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत आसान होते हैं, ये भी अगर आपको अच्छे से बता दिया जाए सिर्फ 10-15 मिनट बाद किया जाए तो इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हो। लेट क्यों आई है? मुझे टाइमिंग पता नहीं थी, शायद मैं रिक्शा भी नहीं मिलता। अच्छा, मैं पता है मैं पढ़ाता हूँ कहीं कहीं पे, तो मेरा मतलब ये है कि अगर जैसे 12 बजे जाना है ना तो मैं 12 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं अगर लेट आता हूँ तो 50 रुपये देता हूँ, मैं अगर टीचर अगर लेट आया तो उसके लिए कितना है 50 रुपीज़, और बच्चे लेट आते हैं तो 20 रुपीज़, और ये पैसे मैं खुद नहीं अपने लिए यूज नहीं करता, इसी की पार्टी होती है। हाँ, एक महीने में अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है, तो इसके वजह से बच्चे पंक्चुअल रहते हैं, 2 दिन आएंगे 40 रुपये कम नहीं होता है, 2 दिन अगर लेट आएंगे तो मैं लेता हूँ खुद, क्योंकि मैं खुद देता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम तो होती है लेकिन फिर भी हाँ तो हाँ ये रहा। अब जैसे इसके बाद, अब जैसे ये अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में प्रूफ करने वाला, प्रूफ करें कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, एक एक्सरसाइज है, उसमें 5 क्वेश्चन है, अगर उस 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो ऐसा समझ लो 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। हाँ, रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है ना, हाँ उसमें मतलब रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, 2+2 रूट इज ए इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट। हाँ तीन, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, वैसा एक्सरसाइज देखो। हाँ, वो नहीं है, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। हाँ 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 ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, अरे ये आप सीख जाओगे तो ये भी सीख जाओगे, तो कितने क्वेश्चन है 4। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो सारे अच्छे से, इसके लिए थोड़ा सा आपको थ्योरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा पकड़ो, तो फिर ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से, तो 3-4 नंबर तो यहाँ से हो गए, और रेशनल नंबर से ज़्यादातर आने का चांसेस होता है तो वहीं से होता है, और भी एक्सरसाइज है। तो खैर, तो प्लानिंग के तहत पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हौच पौच एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, एक ही चैप्टर पढ़ लिए एग्जाम तक, खूब पढ़ रहे हैं हम, खूब पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर से थोड़े ना क्वेश्चन आएगा। हाँ समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम, ऐसा नहीं पढ़ना है, सारे चैप्टर पे आपको टाइम देनी है, ठीक है। तो बेहतर ये है, कितने देर झेलोगे, मतलब कितने देर पढ़ोगे ये बताओ, बोलो कितना देर पढ़ सकते हो ये बताओ। मैं तो बहुत देर तक पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है, इसीलिए तो ये काम करने के बाद थकता नहीं हूँ। हाँ 3 घंटे लगातार नहीं, ऐसा नहीं है, समझ में भी आएगा। ये बताओ कितने देर, सारे बताओ कितने देर तक पढ़ सकते हो, 3 घंटे तो ज़्यादा हो गया, अच्छा खासा। हाँ 2 घंटे काफ़ी हैं, और 2 घंटे आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। और प्लानिंग के तहत काम करोगे, मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी इन फ्यूचर मुझे करना, वो पूरा प्लान है, मुझे कब क्या करना है। आज आपकी क्लास थी ना, तो मुझे बहुत पहले ही बताया गया था, वरना मैं कहीं और का प्लानिंग किया होता है, तो आज आ गया था ना मैं उसी टाइम में एकदम, बिल्कुल आपने देखा होगा, एकदम बिल्कुल टाइम पे मैं आ गया था, ठीक है, 5 मिनट लेट हाँ कोई नहीं, वही कोई नहीं, लेकिन हाँ नहीं नहीं मैं 5 मिनट लेट ही आया था, सही बोल रही, सच बोल रहे हो। तो सुनो, तो हाँ पहले से बताया गया था, कितने दिन पहले से मुझे पता था, ये टाइम पे नहीं आते हैं ये लोग, यही हाल है। उधर से लेट क्या है तुम लोग? हाँ तो बोला जाए, तो प्लानिंग के तहत पढ़ना पड़ेगा, तो वही बात है। तो इस 2 घंटे को अभी 2-4 मिनट में प्लानिंग किया जाए कि कैसे पढ़ना है, ताकि आप मैक्सिमम फायदा उठा पाओ, और फिर 2 घंटे में क्या क्या हो जाएगा मुझे पता है कितना हो सकता है, और फिर किसी दिन और क्लास होगी तो उस दिन भी 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हाँ, फिलहाल 2 घंटे को कैसे यूटिलाइज करनी है, तो ये बताओ पूरे मैथ में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, 15, और सबसे पहला चैप्टर कौन है, बुक लाई हैं आप, बुक नहीं लाए हो, नहीं। आप साइंस पढ़ाने वाले हैं? हाँ सब पढ़ाएंगे,
अच्छा हाँ, एक घंटा साइंस, एक घंटा मैथ। हाँ चलो, तो एक घंटे में सुनो, सबसे पहले सुन लो अच्छे से। साइंस लाए हो बुक, साइंस का? साइंस का लाए हो? देखो कह रही है मैथ मैथ मैथ। दोनों में से कोई नहीं लाए हो ना, आपसे पूछ रहे हैं हम। नो सर। अच्छा नहीं, इसको इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल, साइंस पढ़ाने वाले थे, साइंस भी नहीं लाए हो। चलो कोई नहीं। हाँ तो एक घंटे मैथ पढ़ेंगे और एक घंटा साइंस। साइंस में क्या पढ़ेंगे? फिर साइंस पढ़ेंगे। साइंस में तीन है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स पढ़ेंगे। और एक घंटे क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैथ पढ़ेंगे। चलो मैथ में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? थ्योरम वाला। हाँ थ्योरम। मीन्स ऐसा समझ लो अरिथमेटिक पढ़ेंगे, अरिथमेटिक। देन जियोमेट्री, जियोमेट्री में ट्रेंगल आ जाएगा, त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज तो ये कवर करेंगे। और तीसरा कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे? बताओ, लेकिन आपने कुछ लेकर नहीं आए हो, कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ता है ना। तो याद रखे, भले ही अगर मैं भूल जाऊं, नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे, जब इसके बाद जब भी क्लास होगी, उस दिन आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आओगे और जाके आज ही रख लेना, वरना सोच लेना क्या होगा। नहीं आओगे ना, क्योंकि आप पढ़ने आए हो तो तैयारी पहले से होनी चाहिए ना, तो आप पहले ही रख लेना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो क्या करोगे? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आज से ही रख लोगे। उसमें मिनिमम क्या क्या होनी चाहिए? स्केल होनी चाहिए, कंपास होनी चाहिए, और हाँ डी, उसको क्या क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। हम तो डी बोलते हैं। हाँ, तो वो लेके जरूर आओगे। तो ये आपका हो गया रियल नंबर, रियल नंबर, ट्रेंगल, और तीसरा क्या पढ़ लें बताओ? पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, समाना। अच्छा आपका, अच्छा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलो ठीक है। तो आते हैं रेशनल नंबर पर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ रियल नंबर। सुनना एकदम अच्छे से, और जैसे मैं सुन रहे हो ना सारे? अब सच बता रहा हूँ। हाँ चलो ये बताओ, टाइम तो बहुत कम है, मतलब किस तरह से पढ़ना चाहते हो एकदम अच्छे से, कि रियल में होता क्या वैसे सीखना चाहते हो? समझा दीजिए कि कैसे और क्या और कहाँ पर। नहीं नहीं देखो, एक टाइम बहुत कम है तो अच्छे से सुनना, ये नहीं कि अब सारे लोग अच्छे से नहीं सुनोगे तो फिर मैं बोलूँगा इधर देखो इधर देखो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोग अच्छे बच्चे हो तो पकाओगे नहीं, पकाओगे इन द सेंस। हाँ ये नहीं कि इधर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैथ स्टार्ट होता है, और जल्दी जल्दी लिख भी लेनी है, उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? जल्दी जल्दी लिख लेनी है, तभी तो जाके आप दोबारा पढ़ोगे क्या आपको बताया गया। हाँ सबके लिए, सबके लिए। मैथ का मतलब ही है साइंस है, साइंस का मतलब होता है सीक्वेंस। नाइन्थ में कुछ पोर्शन पढ़ाई जाती है, उसका कुछ पोर्शन टेंथ में पढ़ाया जाता है, तो ये सबके लिए है, ठीक है? तो सबसे पहला है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। और ये रीति रिवाज निभाया जाता है, हर बार बताई जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये -1, -2, -3 और फिर -4। ये 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 1000 भी है, मतलब कहाँ इनफाइनाइट। वाह समझ आया? ऐसा नहीं है, हमने एक जगह बोला इंटीजर यही है, यही है, 5 के बाद हमने लिखा ही नहीं, जैसे 4 के बाद हमने लिखा ही नहीं, फिर मैं बोला 5 क्या 5 इंटीजर है, तो एक लड़की ही थी गांव में, तो कह रही है नहीं इंटीजर नहीं, हम लोग क्यों? तो सर इसमें आपने लिखा ही नहीं है। हाँ तो ऐसा मत समझ लेना, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और ये एरो का मतलब ठीक है, मतलब स्टॉप नहीं, ये मतलब -5 भी है, -6 भी है। तो रियल में इंटीजर होता क्या है? इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले को 1, 2, 3, 4, 5, और ये जिसके आगे माइनस लगा है नेगेटिव। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन नंबर होता है। समझ आया? एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट में बस आपको ये याद रखना है पॉजिटिव नंबर, ये क्या लिखा है? पॉजिटिव। प्लस और वी का मतलब क्या होता है? और एनओ का मतलब क्या हो गया? नंबर। अरे नंबर, नंबर को शॉर्ट में पूरा लिख दे रहे हैं।
पॉजिटिव नो, इसको पढ़ोगे पॉजिटिव नो, लिख लो पॉजिटिव नंबर, फिर नेगेटिव ये नंबर एंड जीरो, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर। समझ आया है? सुनना है ध्यान से, सुनना है, मैथ यहीं से स्टार्ट होता है, और ये अगर अच्छे से सीखोगे तो पॉलिनोमियल भी आपको अच्छे से समझ आएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। और इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। तो सुनो, ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर। अब सुनना है ध्यान से, 1/2, 3/4, 9/5, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर इंटीजर है, अरे टीचिंग का मतलब होता है बच्चों को दिमाग से खेलना, नहीं समझ आया, बच्चों को अपने तरफ कनेक्ट करना, सच बोल रहा हूँ, रेपो बिल्ट। आपको मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे आप बिल्कुल ही क्या बोर नहीं होगे, हाँ और क्या, तुम लोग भी ना, चलो 1/2, 3/4, 9/5, 1/2, 3/4, 9/5, अगर आपसे पूछो 1/2 कुछ ऐसे लिखते, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये इंटीजर है, जल्दी बोलो, बोलो नहीं है, सुनना है ध्यान से, 1 इंटीजर है, सिर्फ अगर 1 लोगे तो 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 1/2 इंटीजर नहीं है, समझ आया है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 3/4 इंटीजर क्यों नहीं है, सुनो 1/2 का मतलब होगा 0.5 होगा ना, तो 0. इसके बीच में आएगा ना 0.5, तो इंटीजर तो यही है, आ रहा है समझ में, इसको जब डिवाइड करोगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, इसको भी डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, इसका मतलब 0.25, 9.5, 11.5, 7.2 ये सारे नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, जब ये नहीं होते हैं तो ये भी नहीं होंगे, आ रहा है समझ में, मीन्स क्या हुआ, क्या हुआ सर, अगर लिखा हुआ हुआ 2/4 तो नहीं, 4/2 लिखा हुआ तो वो तो हो सकता है ना, क्या बात है, अभी वही बताने वाला था, हाँ तो जो अच्छे से सुनेंगे वो बात समझ में आएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी थोड़े ना बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा थोड़ा ना कि आपका बुक देख देख के मैं पढ़ाऊंगा, मुझे सब पता है कि इसके बाद क्या बोलना है मुझे और क्या सिखाना है, समझ आ रहा है, 2013 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 2013 सच बोल रहा हूँ, 10th में था तो मैं 10th वाले को पढ़ाता था, मानो या मत मानो, हाँ सर आपका अपना कोचिंग है, अरे कुछ तो हाँ क्या मैं बोल रहा था, सुनो जैसे यही अगर ऐसे लिखा हो तो थोड़ा अच्छे से देखना है ना, इसका मतलब ठिचकाऊँ, इसका मतलब 2 के नीचे तो 1 है, उस दुनिया के सारे नंबर के नीचे 1 होता है, ये जितना सारा लिखा है ना, ऐसा समझ लो इंटीजर p/q के फॉर्म में होता है, और q के जगह पे सिर्फ 1 ही होगा, 1 होगा उसके अलावा कुछ और नहीं होगा, 1 ही होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा, देखो ये कोई भी नंबर लिखा रहता है ना, जैसे 3 लिखा है तो इसका मतलब 3/1, विरासत में 1 इसको रहता है, विरासत मतलब हेरिटेज, हाँ खैर, और इसके आगे प्लस का भी साइन होता है, मतलब जितने सारे ये नंबर लिखे हैं 1 तो होते ही हैं, तो 1 के अलावा कुछ और हो तो वो इंटीजर नहीं है, 1 के अलावा देखो यहाँ नीचे में कुछ और है, बस आपको ऐसा समझ लेना है कि इसको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, कौन सा नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, और इसको कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर भी इंटीजर नहीं होते हैं, एकदम समझ आया है, और दूसरी बात एक और देखना है, कहीं फ्रैक्शन कुछ इस तरह से तो नहीं लिखी है, पूरा पूरा तो कट तो नहीं जा रहा है, देखो ऐसे नंबर आ जा रहे हैं डिवाइड होके, तो ये भी जरा ध्यान देना है, खैर इतना ही अभी, देखो और भी बातें हैं लेकिन फिलहाल आपको बहुत शॉर्ट में, ताकि पूरी बात आपको समझ में भी आ जाए बहुत कम टाइम में और अच्छे से हो भी जाए, तो उन सारी बातों का ख्याल रखना है, तो एकदम अच्छे से बस आपको यही समझना है कि ये नंबर इंटीजर ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, आई मीन आई क्रॉस मतलब इंटीजर नहीं होते, ये आई मीन्स इंटीजर नहीं है, इतना ही लिख के घर जाना और समझना है दोबारा, एकदम समझ आया, गुड। अच्छा एक और बात, शर्माना नहीं है, जैसे मान लो किसी को, हम भी तो स्कूल थे, स्कूलिंग किए हैं ना, तो नहीं आता था तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम टीचर से सोचते तो पूछेंगे ना, तो टीचर भी तो अच्छे तो होते ही हैं लेकिन हर तरह के होते हैं, वो भी एक बार में नहीं आया, 2 बार में, 3 बार पूछ दिया, हाँ बैठो
पता नहीं कहाँ खोए रहते हो, किस काम के नहीं हो, हाँ। तो हम लोग बच्चों को भी लगने लगता है, हाँ सच में, घर वाले भी बोलते हैं, रिलेशन वाले भी बोलते हैं, और यहाँ टीचर भी ऐसे ही बोलते हैं, तो उस चक्कर में भी बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और दूसरी बात, आसपास वाले जो थोड़ा अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे क्या, वही मैथ वैथ थोड़ा सा आता है उन्हें, तो वो भी उनके चक्कर में भी अच्छा पूछेंगे तो हमारे आसपास वाले भी हंसेंगे, हम लोग को समझ आ गया इसको नहीं आया, तो ऐसा नहीं सोचना है। जहाँ भी आपको जो भी दिक्कत है पूछ लेना है और शर्माना नहीं है। चलो अब इतना समझ आया, अब सुनो ध्यान से, इसके बाद देखो देखो देखो, रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन, अब इसके बाद रूट सिक्सटीन लिखते हैं, रूट ट्वेंटी फाइव लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वन, पता है ना आपको? हाँ पता है। हाँ, और इसका मतलब, रूट टू का मतलब? देखो रियल में यहाँ अच्छे से सुनना, रूट वन का मतलब होता है ऐसे, वन इंटू वन, और यहाँ मतलब टू है, टू को भी नहीं लिखते हैं, टू को भी स्क्वायर रूट है, तो रूट के अंदर जो दो बार निकल रहता है उसको एक बार बाहर ले लेते हैं। आ रहा है समझ में? अब सोचो यहाँ देखो, इस फोर को टू इंटू टू लिख सकते हो ना, देखो फोर ही रहा, और रूट के अंदर टू दो बार लिखा है तो इसके बदले में टू आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ देखो रूट नाइन, तो इसका मतलब थ्री इंटू थ्री, रूट दो बार लिखा है, एक बार बाहर आ जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि उस नंबर को कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो, उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे अगर उतना ही आ जाता है, समझ आ रहा है, तो उसको एक बार बाहर ले लेंगे। कुछ कुछ समझ आया? जैसे ये आया ना समझ में? अब बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ, 16 को कैसे लिखोगे? हाँ गुड, तो मतलब 4 × 4 तो 4 आ जाएगा। अब इसको अंदर लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये जो है ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये इसको कहते हैं परफेक्ट रूट, ठीक है। अब ये देखो, इसका मतलब ऐसे होता है, आप जाके करना 1.41 × 1.41, 1.41 को 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 आएगा। समझ आ रहा है? तो आप करके देखना, ये कितना आ जाएगा, 1.41, यानी कि ये वाला जो, इसका मतलब होता है 1.71, उसी तरीके से इसका भी आएगा, किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, इसका भी डेसिमल में आएगा, इसका भी डेसिमल में आएगा, आएगा ना। तो इसका रूट मतलब डेसिमल में आ रहा है वो इंटीजर नहीं है। इस बात को इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे बताऊं, मीन्स जो परफेक्ट रूट है ना, अब इनमें से परफेक्ट रूट कौन कौन से हैं, वन, रूट वन, रूट फोर, रूट वन, पर ये ऐसा नंबर आ रहा है ना, मतलब डेसिमल में तो नहीं आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, तो रूट वन, रूट फोर, रूट नाइन, रूट सिक्सटीन, रूट फोर्टी नाइन, रूट सिक्सटी फोर, रूट एट्टी वन, ये सारे के सारे कैसे रूट हैं, परफेक्ट रूट। और बाकी ये सारे कैसे रूट हैं, ये परफेक्ट रूट नहीं है जो डेसिमल में आ रहा है। इतना समझ आया? अब यहाँ पर ये क्या है, पी आर, पी आर मीन्स परफेक्ट रूट। अब इतना टाइम, अच्छा पूरा लिख दे रहे हैं, चलो बोल भी तो रहे हैं, हाँ हाँ, ये क्या हो गया परफेक्ट, नहीं बच्चे तो हर तरह के होते हैं ना, तो आप जिस तरह के बच्चे होते हैं उस तरह उनके लेवल पे आके बात करनी होती है, समझ आ रहा है। और दूसरी बात, एक होता है लेक्चर, लेक्चर वन वे होता है, लेक्चर वन वे होता है, और एक होता है वर्कशॉप, वर्कशॉप में क्या होता है, आप भी बोल रहे हो हम भी बोल रहे हैं, मतलब एक हम लोग आपको, हम अपनी तरफ कनेक्ट कर लिए हैं और आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो पूछा जाए तो बोलना है, तो तभी तो कहीं और नहीं खोओगे, ऐसे ही चुपचाप सुन रहे हो, सुन रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं बच्चे, तो आपसे बोला जाए कि ये क्या है क्या है, तो उसको बोलो, बीच बीच में बोलोगे तो यहीं रहोगे, मतलब मेंटली और फिजिकली यहीं रहोगे, नहीं बोलोगे ना तो फिजिकली यहीं रहोगे और मेंटली हाँ कहीं और। तो ये जो परफेक्ट रूट हैं, परफेक्ट रूट हैं वो इंटीजर होते हैं, समझ आया है? देखो यही तो आएगा, परफेक्ट रूट मीन्स वही तो नंबर निकल के आ रहा है, तो परफेक्ट रूट इंटीजर होते हैं। अब इस बात को भी लिख लीजिए, परफेक्ट रूट पी आर क्या होते हैं, आई होते हैं। अब अच्छे से नहीं सुन रहोगे ना तो घर में जाके पी आर आई और पता नहीं क्या से क्या समझ आने लगेगा। तो परफेक्ट रूट, थोड़ा जल्दी जल्दी, परफेक्ट रूट क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, समझ आ गया। परफेक्ट रूट कौन कौन से हैं आप समझ रहे हो, और परफेक्ट रूट कौन कौन से ये समझ रहे हो, और कौन कौन से नहीं है
जैसे रूट थ्री हो गया, रूट टू हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट टेन हो गया, ये सारे परफेक्ट रूट परफेक्ट रूट नहीं है। तो ये इंटीजर भी नहीं, ये इंटीजर भी नहीं है। एकदम सच में समझ आया है? बहुत बढ़िया, गुड। जल्दी से लिखो जितना जल्दी हो सके। या लिख लिए हो ना? हाँ हाँ, बस बस लिखी हो आप? नहीं लिखे हो? कहाँ लिखे हो? हाँ बस सुनना अच्छे से। हाँ वीडियो तो बना ही रहे हो। अल्लामा इकबाल का शेर सुने हो? नहीं। बहुत शाम पैदा कर, तो जो टेक्नोलॉजी है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ करो। डिपेंड करता है उसको आप पॉजिटिव वे में यूज़ कर पा रहे हो या नहीं। समझ आ रहा है क्या? अब गार्जियन का भी तो ऐसा ही लगता है कि बच्चे मोबाइल से, ऐसा नहीं है। जिनका, जिन बच्चों का ख्वाब है ना, वो रियल में मोबाइल से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, इंटरनेट से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन बच्चे का ख्वाब नहीं है, वही बच्चे हैं जो मोबाइल इंटरनेट को मिसयूज कर रहे हैं। आपके पास हर चीज़ है, सुबह शाम एनी टाइम आपके पास टीचर मौजूद हैं। खैर, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है। आपको मैंने थोड़ा सा सिखा दिया ना, थोड़ा थोड़ा तो सिखा दिया, यही तो काम है टीचर का। खैर, तो परफेक्ट रूट इंटीजर होते हैं, जो परफेक्ट रूट नहीं होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। एकदम समझ में आया है? हाँ गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, गुड। इंटीजर हमने समझा दिया अच्छे से, अब सुनना है। रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर के लिए क्लास टेंथ के लिए 1 2 3 4, क्लास टेंथ के लिए 4 बात और नाइन्थ के लिए 3 बात। और नाइन्थ वाले को भी तो टेंथ में जाना है, तो इसलिए नाइन्थ वाले भी जो चौथी पॉइंट बताया जाएगा उसको भी अच्छे से सुनेंगे। ठीक है। हाँ तो सुनना है। सबसे पहली बात देखो, देखो देखो, ऐसा नहीं है, अब गधेड़ों की तरह कुछ भी नहीं बोल देना। मैथ का काम क्या है? आपके ब्रेन को सोचने वाला बनाना। इन फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर आप बनना चाहते हो, मतलब आपका कोई ख्वाब है, तो डॉक्टर इंजीनियर या किसी भी फील्ड में जाओगे तो सोचना तो पड़ेगा ना। तो ज़्यादातर मैथ और साइंस ही, और भी सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने आपके माइंड को ही ब्रॉड करते हैं, यही तो करते हैं आप। चलो तो सुनोगे और उसी हिसाब से सोचना है, और कुछ भी नहीं बोल देना है। जो आपको सिखाया जा रहा है उसी तरह से सोचना है, भले ही गलती हो जाए तो फिर आपको बताया जाएगा, उसी तरह से सोचना है और देन फिर रिप्लाई करनी है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, किसी भी नंबर को देखना है या चेक करना है क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, और लिखने वाले कुछ नहीं होता है, लिखने से कुछ नहीं होता, सच बोल रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ तो सुनो। सच बोल रहा हूँ, उसी में जब चुप हो जाते हैं तब जल्दी से लिख लो, और कुछ कुछ पॉइंट तो यहाँ लिखेंगे ही, सच बोल रहा हूँ। देखो एक बार में दो काम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, होता है ना। जैसे मान लो खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, और मम्मी आपके पापा से शिकायत कर रही है आपकी। हाँ, जब तक ये चलाते रहोगे ना तो अच्छे से सुनाई नहीं देता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? मेरे साथ बचपन में कितने बार हुआ, हम भी ऐसे चुप, क्या चल रहा है, तो यही बात है, तो क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? कोई बात नहीं है, सीखने के लिए ही तो आए हो। हाँ तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, जितने देखो दो कान एक मुँह क्यों है, नेचर क्या सिखाना चाहता है आपको? नहीं, ज़्यादा सुनना है कम बोलना है, दो कान एक मुँह। और दूसरी बात, कोई पैदाइशी गूंगा नहीं होता है, पैदाइशी बहरा होता है। तो अच्छा बोलने वाला बनना चाहते हो ना, तो अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। नेचर देखो कितनी सारी बातें, जो जो होता है ना, क्या क्या सिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है ना, उससे तो हम लोग ज्ञान लेते ही नहीं। हम लोग को लगता है स्कूल में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे तो टीचर ही हमें ज्ञान देते हैं। नहीं, एक एक इंसिडेंट सिखाता है, डिपेंड करता है ये 5 सेंस ऑर्गन्स को पूरे प्रॉपर वे में यूज करते हो या नहीं। 5 सेंस ऑर्गन्स, अरे 5 सेंस, तुम भी अरे कमाल करते हो तुम लोग। ये इनके इनके हिसाब से 3 सेंस ऑर्गन्स है। आजकल तो ये भी बताया जाता है 6 सेंस ऑर्गन्स, कुछ लोगों का 6 सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप कर जाता है, उसका कुछ और ही मतलब है। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसके अलावा एक और सेंस ऑर्गन्स है जो कुछ ही लोगों में हो पाता है, वो क्या है वो अलग डिस्कशन है, ठीक है ना। खैर, लेकिन 3 सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है। हाँ चलो, तो सबसे पहला सुनो, किसी भी नंबर को
किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? तो, सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि कोई पूछे रेशनल नंबर क्या होता है, तो आपको ये बोलना है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, नॉट लिखा हो, ये भी सही है, लिखा हो और लिखा जा सके दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलूं कि 4/5 ये लिखा हुआ है, हाँ, है ना, और मैं बोलूं कि लिखा जा सके, तो अगर 5 है तो आप बोल रहे हो लिखा जा सके, ये ज्यादा सही है ना, सही तो दोनों है, लिखा जा सके तब बोलोगे देखो लिख दिया 5/1, दुनिया का सारा नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है। तो कुछ बच्चे से पूछा जाता है रेशनल नंबर बताओ, सर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो तो दुनिया का सारा नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। जरा ध्यान से सोचो, किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, तो इतना बोलने से तो काम चलने वाला नहीं है। तो ये ऐसा ही है बस, बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है? अब बोलोगे ये क्या है, ये क्या है, बोलोगे ये इंसान है, तो इंसान तो सारे ही हैं, हाँ, इनके बारे में बतानी है तो इंसान भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, फिर और भी कितनी सारी बातें बतानी पड़ेगी तब इनके बारे में पूरी तरह से समझ आएगा। अरे यही है ना, सर, हाँ, कुछ भी रामलाल श्यामलाल, ऊपर पी ओपन क्यू की जगह पे रामलाल अपॉन श्यामलाल, लेकिन बस बोल दो पी ओपन क्यू को हमने रामलाल श्यामलाल बोल दिया है। हाँ, कुछ भी ले सकते हो। उसका मतलब समझना है, किसी भी नंबर को सबसे पहला क्या है, पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जा सके, हाँ, या ऐसे लिख लो रिप्रेजेंट, समझ आ गया है एकदम अच्छे से। पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकने का मतलब यही है कि जैसे 3 लिखा है, 3 को अगर आप बोल रहे हो कि पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसका मतलब 3/1, हाँ कि ना, पी के जगह पे कितना, जल्दी बोलो, पी के जगह पे कितना, जल्दी बोलो, 3 है, क्यू के जगह पे कितना है, 1 है, गुड, बहुत बढ़िया। पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके इसका मतलब यही होता है। जैसे मान लो ऐसा है 3/4, पी के जगह पे कितना है, क्यू के जगह पे कितना है, क्यू के जगह पे कितना है, 4, आ गया समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ कोई बात नहीं है, बोला जा आगे। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट सुनना है, अच्छे से सुनना है, सुन रहे हो ना, देखो 3/0 या नदीम अपॉन 0 या एक्स अपॉन 0, हाँ, मीन्स किसी भी नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हो, तो कितना आएगा, ये आता है इनफाइनाइट, तुम लोग चमत्कार करते हो, 0/5, हाँ, तो क्या, अब डराने का रीजन पता है क्या है, पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा, मुझे पता है ना, तो ये मैं फर्स्ट बार थोड़ा ना कर रहा हूँ, तो इस पे जोर दे रहा हूँ, अगर चमत्कार किए नेक्स्ट बार तो सोच लेना, इसमें फर्क है। यहाँ देखो x को किससे डिवाइड कर रहे हो, हाँ, मीन्स किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 0, तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, और इस सिचुएशन बताओ, यहाँ 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जैसे हमने 5 लिया, दोनों में फर्क है, समझ आ रहा है ना, दोनों बातों में फर्क है। जैसे मैं बोलूं 0/9, 0/9 कितना होता है, ये 0 होता है, दोनों में फर्क है ना, हाँ, 0 को किससे डिवाइड किया, किसी भी, 0/नदीम, हाँ, 0, ठीक है ना। और इनफाइनाइट का मतलब ऐसा समझ लो, जितना बड़ा नंबर, जितना बड़ा आप सोच रहे हो, जितना बड़ा सोच लो उससे भी बड़ा, जैसे समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने 3 को डिवाइड किया 0 से, तो इतना बड़ा नंबर आएगा, इतना बड़ा नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, आप जितना बड़ा सोच लो उससे भी बड़ा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए 8 को ठिचकाऊं घूसा मार के उसको ऐसे घुमा दिया जाता है, और ये सिंबल होता है इनफाइनाइट का, तो इसका कोई मतलब नहीं है, समझ आ रहा है, जितना बड़ा सोच लो उससे भी बड़ा। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी, जितना जल्दी हो सके, लिख चुके हो ना, गुड, बहुत बढ़िया। बोलो 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 बोलो, हो गया ना, गुड, यानी पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। और दूसरी बात सोचो, अभी हमने समझाया पी ओपन क्यू के फॉर्म में नंबर हो या लिखा जा सके, अगर क्यू के जगह पे 0 हो जाए
तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे 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 मतलब ये 4/0। चलो सबसे पहली पॉइंट क्या है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, बोलो। अरे लिखा है ना, लिखा है ना। और रेशनल नंबर में जो दूसरा डेफिनेशन है, दूसरी बात आपको बोलनी है, ये बोलना ही पड़ेगा। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे तो आप जरूर बोलोगे, क्यू के जगह पे जो भी नंबर हो, क्यू के जगह पे जो भी नंबर हो वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये है जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, क्यू इज इक्वल टू जीरो, पी अपॉन क्यू, हाँ, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये है क्यू इज इक्वल टू जीरो और ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्यू के जगह पे जो भी नंबर होगा वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, जीरो के। अगर जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट होगा। आ गया समझ में, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ कौन कौन, बोलो बोलो। अगर जीरो होगा तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझ आया, इसीलिए तो डेफिनेशन का पार्ट है। डेफिनेशन में पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा सुनना, तीसरा सुन रहे हो, तीसरा है पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, इंटीजर। इसका मतलब ये है 2/3। एक एक करके सोचना है, क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, बोलो। क्या 3 0 के बराबर नहीं है, अरे नहीं है ना, नहीं है, नहीं है। हाँ, क्या 2 इंटीजर है, yes। क्या 3 इंटीजर है, yes। इसका मतलब 2/3 रेशनल नंबर है। सच में चमका है, हाँ, चमक गया। समझ आया है, गुड। हाँ। अगर मैं मान लो √3/5 लिखा है, कितना लिखा है, √3/5। चलो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्यू 0 के बराबर नहीं है, क्या दोनों के दोनों इंटीजर हैं, यानी देखो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, तो दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए तभी वो रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है तो क्या है, समझ आया है, पक्का। तो परफेक्ट रूट का इंपॉर्टेंस समझ आया, जहां हमने इंटीजर के पास हमने बताया। अब आपसे पूछा जाए क्या 0 रेशनल नंबर है, जल्दी बोलो, क्या 0 रेशनल नंबर है, हाँ बोलो, बिल्कुल है। 0/1 लिख सकते हो ना, 0 0 ही रहेगा, देखो दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं और 1 0 के बराबर भी नहीं है, तो 0 भी रेशनल नंबर है। आया है समझ में, जो हमने बात बताई है उसी के हिसाब से हमने ये बोला है, देख लो। आ गया समझ में। और चौथी पॉइंट, जल्दी से, चौथी पॉइंट क्या होता है, पी एंड क्यू के बीच में, पी एंड क्यू के जगह पे जो भी नंबर होगा उनके बीच में कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जवाब नहीं, समझ आएगा। इसका मतलब यह है कि 2/4 है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, देखो 1 हो गया 2 हो गया, यानी कि 1/2। देखो इसका फैक्टर लिखोगे तो 1 होगा, इसका फैक्टर 1 एंड 2 होगा, कॉमन फैक्टर 1 है। समझ आ गया इतना, गुड, बहुत बढ़िया, इतना काफी है, इतना ही जल्दी से नोट कीजिए, बाकी अब एक्सरसाइज पे आते हैं। हो गया हो गया हो गया, नहीं हुआ, हाँ। तो रेशनल नंबर कोई पूछे क्या बोलोगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पी एंड क्यू बहुत सारे इंटीजर होनी चाहिए, पी एंड क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। इतना बात याद रहेगा, गुड। हाँ चलो, अब इसके बाद देखो, अब आते हैं एक्सरसाइज पे, क्या प्रूफ करना है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर कैसे है। तो सबसे पहला काम करना है, और एग्जाम में अगर मान लो ये इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आता है ना अगर आपको, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो जो स्टेप बताया जाएगा वैसे लिखनी है, वैसे क्या करनी है, लिखनी है। तो सबसे पहला √5 ले लेते हैं जो क्वेश्चन में है। सबसे पहली बात आपको क्या लिखनी है, इसको रेशनल नंबर मान लेना है। सबसे पहले क्या मानोगे इसको, तो जो भी रेशनल नंबर का डेफिनेशन है सारा इसमें अप्लाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अरे रेशनल नंबर हमने मान लिया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा जब ये रेशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बोलिए।
और P एंड Q के बीच में कॉमन फैक्टर कितनी होनी चाहिए? One. हाँ लिखो, कॉमन फैक्टर कितनी होनी चाहिए जल्दी जल्दी. One. ये सब बात आपको रीति रिवाज निभाना पड़ेगा, ठीक है. और फिर और क्या लिखोगे? Q नॉट इक्वल टू जीरो एंड P एंड Q के बीच में कॉमन फैक्टर कितना? वन. इतना बात लिख लोगे? Yes, हो गया. लेट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर, तो इसको P ओपन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और फिर क्या लिखोगे? P एंड Q के बीच में कॉमन फैक्टर कितनी होनी चाहिए? वन. Q नॉट इक्वल टू जीरो. इतना हो गया. अब सुनो, अब सुनना है. अब ये क्या है? रूट फाइव. क्या है? तो देखो, हमने P ओपन Q के फॉर्म में लिख दिया. अब इसके बाद क्या? स्क्वायरिंग. क्या P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट फाइव इंटू क्यू. अरे उसको उधर लेकर चले गए हैं. आ गया ना P इज इक्वल टू रूट फाइव इंटू क्यू. अब क्या करोगे इसको? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए. तो P का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? P स्क्वायर. ये आपका हो गया, देखो P स्क्वायर. और ये हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर, फाइव हो जाता है. और ये आपका कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर. सच में समझ आया इतना? yes, यानी पहले एक स्टेप ये भी लिख देना, रूट फाइव क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? पी. फिर स्क्वायरिंग करोगे. लिख लिए. तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइव क्यू स्क्वायर. अब सुनना है ध्यान से, बस हो गया, हो गया. देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर. अब देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो ऐसे लिखा है नाइन का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर और इज इक्वल टू लिखा है थ्री. तो नाइन का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? 81. और 81 थ्री से डिवाइड होता है. तो इसका मतलब यानी कि नाइन स्क्वायर किससे डिवाइड होता है? थ्री से, ठीक है. तो आपका ये नाइन भी किससे डिवाइड होगा? नाइन भी किससे डिवाइड होगा? थ्री से. समझ आया? उसी तरीके से यहाँ भी देखो, अगर ये ऐसा लिखा है यानी कि पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? फाइव से. पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? फाइव से. तो पी भी किससे डिवाइड होगा? फाइव से. ये बात लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? फाइव. तो इसका मतलब पी भी डिवाइड होगा 5 से. सुनो, P एंड Q के बीच में आपने कॉमन फैक्टर 1 लिया है, अब आपने P का भी एक और फैक्टर ला दिया. समझ आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर, यहां पर फिर क्या करते हैं फाइनली, ये जो आपका Q है, Q का भी फैक्टर ला देते हैं एक और. और कितना लाते हैं? 5 ही लाते हैं. तो डेफिनेशन में क्या है मतलब डेफिनेशन में क्या है कि P एंड Q के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होनी चाहिए. आपने क्या किया? कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी ला दिया दोनों का फैक्टर. तो सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. समझ आ रहा है? तो इसका मतलब रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. कोई नहीं, लिखिए इस बात को, जब भी फिर मुझे मौका मिलेगा तो इसके आगे बात होगी, ठीक है. मुझे नहीं पता था कि एक ही घंटे का है. अगर ऐसा होता तो पहले से बताना चाहिए ना आप लोगों को. मुझे क्या पता. चलो खैर, कोई नहीं, हो गया. तो फिर मुलाकात होगी तो बात होगी. तो पढ़ लो इतना जो भी है, बाकी देखते हैं फिर मैडम से हम बात कर लेते हैं.